योगी आदित्यनाथ के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि जाहिर है क्योंकि वो खुद इस राज्य से ताल्लुक रखते हैं, यहां पर उत्तराखंड से ही उनका ताल्लुक है, यहां से लोग जल्दी से जल्दी निकलें बाहर और सकुशल निकलें, ये उनका भी ये इसी बारे में वो भी सोच रहे होंगे, वो भी, और क्योंकि वो एक 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 स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर भी हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, तो भगवान से प्रार्थना भी कर रहे होंगे और साथ में बहुत दिलचस्पी के साथ और बड़ी बेसब्री के साथ वो इस खबर को देख रहे होंगे। विनोद हमारे संवाददाता इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, बताइए विनोद। अग्रे जी बिल्कुल सही कहा आपने, लगातार सीएम जो है नजर रखे हुए हैं इस पे और जैसे ही खबर आई कि जो श्रमिक है उनके निकलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है उसके बाद से लगातार जो अधिकारियों की एक टीम लगाई थी, उत्तर प्रदेश में भी एक बकायदा एक जो एक अधिकारियों की टीम थी वो गठित की गई थी जो लगातार उनकी फैमिली जो श्रमिक 8 श्रमिक जो है यूपी से उनके फैमिली वालों से लगातार संपर्क में थे, उनको इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा था, जो इन्फॉर्मेशन वहां से गैदर की जाई थी, यूपी के टीम के 2 अधिकारी वहां मौके पर मौजूद थे जो लगातार अपडेट कर रहे थे और सीएम और लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं कैसे उनको निकाला जा रहा है, कितने मजदूर कितने श्रमिक जो है वो निकले गए हैं, उनकी तबीयत क्या है और इन्फॉर्मेशन उनकी फैमिली को कैसे पहुंचाई जा रही है, क्या उनको ऐसी कंडीशन है कि उत्तर प्रदेश लाया जा सकता है, कब लाया जा सकता है, ये तमाम पहलू है जिसके बारे में लगातार जानकारी दे रहे हैं, लगातार अधिकारियों से इस बारे में बहुत पूछ रहे हैं, तो ये एक तरह से जैसा आपने बताया कि अभिभावक की भूमिका में है इस वक्त और लगातार नजर रखे हुए जब से ये घटना हुई तब से ही लगातार यूपी की अधिकारियों की डिग्रेड टीम जो है इस पर काम कर रही है। विनोद मैं आपके पास लौटूंगा, आपके पास अपडेट लेने के लिए एक बार फिर से लौटेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर विनोद भी बता रहे हैं कि राज्य के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस खबर पर पूरी निगाह बनाए हुए हैं, हर एक अपडेट वो भी ले रहे हैं।